आया नहीं, बाहर इतनी बारिश हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो चिंता मत कर, वो यही कहीं गई होगी आसपास में, आ जाएगी थोड़ी देर में, अगर वो नहीं आती तो फिर मैं उसे देख के आता हूँ। अरे विनोद, लेकिन भीग गई है, अगर बीमार पड़ गई तो छाता लेकर तो जाना चाहिए था ना। कौन आ गई थी तू? मैं जयवंत के घर गई थी। जयवंत के घर अभी इस वक्त क्यों? उनसे ये कहने कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। बहुत सोच समझ कर किया, तो सच कहती है ऐसी बहुत सारी बातें जिनके लिए हम रुकना चाह रहे हैं, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, पर ना हमें रुकने देती। मैं जयवंत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। खुशी की खबर फोन पर थोड़ी सुनाई जाती है, खुशियां तो आमने सामने बैठकर बांटी जाती है, तभी तो खुशियां बढ़ती है ना? आई तू यहां बैठ।
अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। क्यों बुलाया तूने इन सबको? तू सही कह रही, मुझे मुझे इतनी रात इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। माफ करना सतीश, माफ करना धर्मेश बेटा, लेकिन क्या करूं बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरी अर्जु शादी के लिए मान गई। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। बेटी ने हाँ कर दी है, इसलिए तुरंत हम आपसे बात करने चले आए। और जब लड़का और लड़की दोनों राजी है तो हमें जल्द से जल्द सगाई की तारीख भी पक्की कर देनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी अर्जु की इससे पहले भी जी हम सब जानते हैं, जयवंत ने सारी बातें बहुत पहले क्लियर की है हमारे सामने और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ताई, अर्चना के अतीत में क्या हुआ है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है उसका आज, उसका कल। सच तो ये है कि आज वो आपकी बेटी है और कल वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। बेटा तुम्हें इस बारे में इसे कुछ पूछना है? नहीं आई, मुझे कुछ नहीं पूछना। जिस सच्चाई के साथ ये रिश्ता बनाए वही मेरे लिए काफी है। मैं अर्चना को पिछले कई दिनों से जानता हूँ और उसके अतीत से ज्यादा उसका स्वभाव मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है। चलिए तो फिर हम हमारे पंडित जी से बात कर लेते हैं और जल्द से जल्द सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि गणेश जी की स्थापना के साथ साथ जयवंत और अर्चना की सगाई भी हो जाए। क्या बात है, मिठाई के
किस खुशी में बांट रहे हो? अरे वही अपने जयवन साहब है ना, उनकी शादी तय हो गई है, वही लाए हैं मिठाई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वही, इससे अच्छी खबर तो आगे है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब उनकी शादी अपनी कंपनी की सुपरवाइजर अर्चना मैडम के साथ तय हुई। वही अब तो अपनी खुशी दुगनी हो गई है। अरे प्रकाश तुम भी लो। हाँ जी, मैंने शादी के लिए खुदा कहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना? अर्चना तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। अर्चना तुम्हें इस तरफ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसके साथ मानव की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर उसे पता चल जाएगा तो उन्हें पता। ये फैसला लेने में उन्होंने मेरी मदद की थी। जो भी हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्चना तुम अन्याय कर रही हो खुद के साथ। औरों के साथ अन्याय करने से अच्छा तो यही है ना जी। कमल, अंदर आ सकता हूँ? अरे मानव तुम आओ। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, एक जरूरी बात करनी थी। बोले सर। मैं और अर्चना शादी कर रहे हैं। पता है सर, केशव ने मुझे अभी बताया। मैं यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। सर एक विनती थी आपसे। हाँ बोलो मानो। सर वो अर्चना एक बहुत अच्छी लड़की है सर, बहुत मासूम है, उसे प्लीज खुश रखिएगा। चाह के भी मैं उसको आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया। सर मुझे पूरा विश्वास है आपसे दुनिया की हर खुशी देंगे। और एक बात, हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अर्चना आज भी इतनी पवित्र है जितनी शादी के पहले थे। दोस्त और आज भी दोस्त, उसे खुश रखेगा सर। इजाजत हो तो क्या मैं मानव से अकेले में बात कर सकती हूँ? नहीं अच्छा, मानव से बात करने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अंदर आइए मानव। आपने मेरे सामने एक शर्त रखी, मैंने मान ली। अब मैं आपके सामने 2 शर्तें रखती हूँ और आपको वो माननी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ना नहीं गए। कैसी शर्त? मैंने जयवंत से शादी करने के लिए हाथ तो कर दिए माना, लेकिन मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक आप शामनी से शादी नहीं कर लेते। और मेरी दूसरी शर्त यह है
कि आप मेरी विदाई करेंगे। मानव किसी के लिए जिंदगी दे देना मैंने आपसे सीखा, खुद आंसू पीकर दूसरों को मुस्कुराहट देना ये भी मैंने आप ही से सीखा। आपने मेरी हर फैसले में मदद की। आज मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ मानव। अगर आप मेरी शादी में नहीं होंगे तो मैं ये फैसला लेने की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। वैसे भी ये फैसला मैंने आप ही की वजह से लिया है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं? आपको मेरी विदाई करनी ही होगी। नहीं ऐसे ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने हाथ से तुम्हारी विदाई नहीं कर सकता। क्या हुआ मन, मुझे त्यागने में इतनी तकलीफ हो रही है आपको, और मेरा क्या मन? मैं तो अपने आपको किसी और को सौंपने जा रही हूँ, लेकिन अब तो फैसला हो गया, अब हमें उसे निभाना ही होगा। कहिए मानो, आप मेरी शर्त मानेंगे या नहीं? मंजूर है मुझे। काम जल्दी खत्म हो गया ना, इसलिए छुट्टी ले लिया दे देंगे। अच्छा किया तूने, ऐसे बीच में छुट्टी लिया करो, सेहत अच्छी रहती है। अब तो खुश है ना तू? नहीं, तेरा कहना मानकर अर्चना अपना नया घर बसाने जा रही है। अब तो खुश है ना तू? श्रावणी, उतना सा सचिन को कहीं घुमाने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जाएंगे। पानी नहीं, इस नाटक का अंत ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कई बार पब्लिक डिमांड के खातिर नाटक का एंड बदलना पड़ता है। तू देखना सविता, इस बार भी ऐसा ही होगा। पब्लिक डिमांड के खातिर पापा को रचना बदलनी होगी, कहानी में ट्विस्ट लाना होगा। अब ये